ये 10 मिनट का डिक्टेशन है रामधारी गुप्ता से। प्रतिलेखन संख्या 58-59 रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूँ, जो स्वयंमेव तो शुभ है ही चिरकाल से त्रस्त और आजकल भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंडों की भावी उन्नति के लिए भी यह एक शुभ लक्षण है। गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण के बाद भारतीय संघ में आंध्र नामक नए राज्य का उदय हुआ है। भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूँ और नए राज्य की सफलता की कामना करता हूँ। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के लिए एक आयोग की स्थापना की है, जिससे योग्य और अनुभवी सदस्य रखे हैं। यह कार्य बड़ा और ऐतिहासिक महत्व का है। इसे वस्तुगत रूप से पूर्ण शांत चित्तता के साथ करती है, जिससे संबंधित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक कल्याण हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे। हमारे संघ के 2 राज्यों में तिरुवांकुर, कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में आकलन आम चुनाव हो रहे हैं। उपयुक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारू रूप से नहीं चल सका और नए चुनाव होने तक प्रशासन का कार्यभार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परंतु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सामुदायिक योजना कार्यों के कार्य में विशेष रूप से उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्री गणेश अक्टूबर 1953 में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है। इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत उत्साहवर्धक है। इस कार्य का यह पहलू बहुत ही आशाजनक है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई एक दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोजगारी की समस्या मेरी सरकार के लिए चिंता का विषय है। लोगों को अधिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है। साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। 1952-53 में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा 5 लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है। खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में विशेषकर सूती कपड़े, कागज, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत से इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता रहा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचना संख्या बढ़कर
1953 में 1345 हो गई, जबकि 1952 में यह 129 थी। युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है। इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात के एक नए कारखाने की स्थापना के संबंध में इस समय अंतिम कार्यवाही ही हो रही है। पटसन और चाय उद्योग अब अच्छी स्थिति में है। महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से यह देख सकूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या करने का विचार है। स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दिग्दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो यहाँ क्या तो आप करने जा रहे हैं, क्या क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीज़ों की कमी है। मैं इन सब चीज़ों के संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए तत्पर है कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर मिला, तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएं रखी गई जिनके अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया। पिछड़े हुए लोगों में तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वे हैं जो अछूत माने जाते हैं। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि दूर हो जाएगी। दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं, आदिम जाति के लोग हैं। ये सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं। विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनकी संख्या देश में प्रायः 2 करोड़ है। 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएं, तो वह हमें शोभा नहीं देता। उनकी उन्नति करना हमारा परम आवश्यक काम है। उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग, परंतु वे भी किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। इन सब के लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्था की गई है। जहाँ तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके लिए विधानमंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहाँ जाकर उनके सुख दुख को रख सकते हैं और वहाँ से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं। आज दिल्ली में जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल है, उन सब के सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको बड़ी वही अधिकार प्राप्त है जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में विशेषकर असम में, जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों
के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी हैं। उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं।